नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और वृषभ लग्न श्लोक संख्या 14 की बात करते हैं। और जिस श्लोक की बात कर रहे हैं इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से हमको प्राप्त हो जाता है और संदेह बहुत उत्पन्न करता है। तो क्या क्या संदेह उत्पन्न करता है उसको भी हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले वृष लग्न की पत्रिका हम लोग बना लेते हैं और ये वृष लग्न का आखिरी श्लोक है, इसीलिए अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर में अगर कोई भी परेशानी आई हो और कोई भी संशय मन में रहा हो तो आप अवश्य कमेंट में लिखिए। यहाँ देखिए यही कहा गया है कि वृषभे जायमानस्य लग्ने चंद्र स्थितो यदि, लग्न में चंद्रमा स्थित हो तो विशेष धन योगम तू न प्राप्नोति जातक, तो विशेष धन प्राप्त नहीं होता है जातक को। अब ये चंद्रमा के दशाओं की बात होगी, सबसे पहले तो ये समझना है। अब यहां चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? तीसरे स्थान का। चंद्रमा के विषय में सबसे पहले हम लोगों को जानकारी ले लेना चाहिए कि ये तात्कालिक रूप से ना तीसरे का स्वामी है। काल पुरुष में चौथे का स्वामी है, कारक चतुर्थ स्थान का भी है और अन्य जो चर कारक है वो सब आप जानते हैं, मन का कारक है, माता का कारक है आदि आदि जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा। और बात वृष लग्न की हो रही है और इसके पहला जो इसके जो पहले श्लोक संख्या जो 13 हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था कि शुक्र के साथ चंद्रमा स्थित हो। तो सबसे पहले इसको पिछले श्लोक के संदर्भ में यदि लेकर के हम चलें तो थोड़ी बहुत व्याख्या आपके समझ में आएगी। लग्न के अन्यत्र चंद्रमा कहीं भी हो, किसी भी अन्य लग्नों में भी, तो उसको अच्छा कहा गया है। बहुत जगह पे कारक भाव नाशाय, ऐसे स्थिति में चतुर्थ में कहा जाता है कि चंद्रमा आ गया तो वो अच्छा फल नहीं देगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो पिछला श्लोक का संदर्भ लीजिए कि ये शुक्र के साथ चंद्रमा था। तो यहाँ वृषभे जायमानस लग्न लग्न लग्ने चंद्र स्थितो यदि, तो यहाँ लग्न में चंद्रमा स्थित है और शुक्र की भी बात समझ रहे हैं तो सूर्य आसपास होगा तो ये अशुभ चंद्र हो जाएगा। है उच्च का ये हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग जब तक उच्च नीच को नहीं भूलेंगे ना तब तक मन में संशय ज्यादा होता रहेगा। अच्छे स्थानों में है और स्थिति भी अच्छी है। उच्च की व्याख्या में बहुत चर्चा हुई इसीलिए हम भी कर लेते हैं। उच्च की है तो फिर खराब क्यों कहना, लेकिन अब हम भूल जाते हैं कि ये चंद्रमा उच्च का है, ये तो 4% से ज्यादा प्रभाव ही नहीं रखता उच्च का। तो इसीलिए हम अब चलते हैं कि ये तृतीय से और तीसरा अशुभ स्थान है और वृष लग्न के लिए चंद्रमा बहुत शुभ नहीं है। शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता, चंद्रमा नहीं मानता, किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मित्र भी नहीं मानता। मित्र तो वो सूर्य और बुध को मानता और चंद्रमा की राशि जब लग्न में रखेंगे तब क्या स्थिति होती है। तो ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो सुख और लाभ की स्थिति होती है। और यहां जो पराक्रम की बात होगी ये सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब शुक्र के साथ होने के कारण पिछले श्लोक का संदर्भ ही हमको विशेष उपयुक्त लगता है। तो ये चंद्रमा अशुभ हो गया, अशुभ स्थान के स्वामी थे, इसकी वजह से यहाँ जाने के कारण कहते हैं कि
विशेष धन योगम तू न प्राप्नोति जातक। तो ये जो न प्राप्नोति जातक लिखा है वो धन योग के विषय में लिखा। अब चूंकि लग्न से धन की बात होती है और धन की बात इस स्थान से होती है और ये स्थान हमेशा धन का नुकसान ही बताता है और यहाँ पे तृतीयेश होने के कारण चंद्रमा क्षीण होने के कारण तो धन की हानि जरूर करेगा। अब इस चतुर्थ स्थान से अगर गति देखेंगे काल पुरुष के अनुसार तो भी बुरा नहीं है, यहां से ये दशम ही स्थित है और जहां स्थित है काल पुरुष में यहां मेष राशि ही आती है और अन्य जगहों पर भी चंद्रमा की ऐसी स्थिति को बुरा नहीं कहा गया। लेकिन भावार्थ रत्नाकर में इसको कहा जाता है कि बुरा है, यहाँ पे आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे पास दो ही चीज जो हम आज तक समझ पाए, एक ये कि ये चंद्रमा अशुभ है। पिछले श्लोक को लगातार में अगर पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि शुक्र के साथ होना चाहिए या आसपास होने से चंद्रमा अशुभ है और अशुभ स्थान का स्वामी भी है और धन की बात लग्न से भी होती है और वहाँ स्थित हुआ तो वो उसकी हानि करेगा। इसके कारण से लिखा गया है कि विशेष धन योगम तू न प्राप्नोति जातक। जातक विशेष धन प्राप्त नहीं करता, लेकिन ये वृष लग्न में पूरे जिंदगी की बात नहीं बता रहा है। ये बात कब की बता रहा है? जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आए। अभ्यास में भी हमने देखा कि चंद्रमा बहुत बुरा फल नहीं करता, लेकिन इस लग्नों में अभी और जीवन में देखना बाकी है और देखेंगे तो और आपके पास व्याख्या लेकर के आएंगे। लेकिन तत्काल जो हमको ये समझ में आया कि पिछले श्लोक से संदर्भ लेकर के चलें और ये तीसरा स्थान है और लग्नेश शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, इसीलिए वो यदि लग्न में बैठा तो अच्छा नहीं करेगा। तो उच्च का होने के बावजूद भी हमारे शास्त्रकार ने इसको यहाँ धन योग देने वाला नहीं लिखा और हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी भी श्लोक को गलत कर सकें। हो सकता है कि हम उसकी व्याख्या नहीं समझ पा रहे हों, आगे मेरे समझ में आ जाए। आप लोग भी हमारी तरह ही जो हमने अभी तक समझा वही हम आपको बता रहे हैं, तो उसी को मान करके चलना है। और ऐसे उदाहरण यदि आपके पास हो तो आप हमको डिटेल भेजें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वृषभ लग्न यहाँ समाप्त होता है और हम 12 लग्नों की चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप किसी भी पाठ को न छोड़ें। अगर कोई भी पाठ छूटेगा तो हमने कहा है कि कुछ न कुछ विशेष हम जरूर बता देते हैं या आ ही जाता है। हर श्लोक अलग है इसीलिए तो अलग अलग लिखा गया और उसी की व्याख्या तो हम अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए सभी पाठों को पढ़ना जरूरी है। पुनः कहेंगे कोई परेशानी हो जाए हमारा संपर्क सूत्र आपके पास होता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।